तो फोकस करना पड़ेगा, इंडेक्स दबाव में दिख रहा है। अब ऐसे में स्टॉक्स कौन से हैं जो फोकस करें? पीएसयू बैंक्स वापस आए हैं राजेश, क्या वहां पर नजर होगी या ब्रॉडर मार्केट में जो एक्शन बना हुआ है वहीं पर अभी भी एक्शन जारी रहेगा? तो बिल्कुल आज पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। छोटे पीएसयू बैंक भी काफी अच्छे आज मोमेंटम में दिख रहे हैं। हमें लगता है पीएसयू बैंक में अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑन ए वर्ज ऑफ एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक मल्टीपल सप्लाई जोन है स्टॉक के लिए 88-89 का लेवल। यहाँ पे जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हमें लगता है 89 का लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है और जो कि स्टॉक को फिर 98 से 105 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो पीएसयू बैंक में हमें लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया पे देखा जा सकता है। कैनरा बैंक भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो 330 से लेकर 340 की रेंज में ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टॉप लॉस यहाँ से काफी नजदीकी है करंट लेवल से। 327 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है 340 जिसके लिए के जो सप्लाई जोन है जैसे ये क्रॉस होगा यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। तो पीएसयू बैंक में हमें लगता है दो बैंकों पे अभी फोकस किया जा सकता है। बाकी दूसरे सेक्टर्स में और बाकी दूसरे स्टॉक्स पे काफी आइडियाज है वहां पे भी हमारा फोकस है। कुछ एक ट्रेड है, साथ ही राजेश सर की ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी बकाया हैं। एक काम करते हैं राजेश सर, पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, फिर ऑप्शंस का सौदा पता करेंगे ऑप्शंस की चैंपियन से। तो डीपी जी, पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो एक्साइड इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखे तो एक कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और ये ऑलमोस्ट 6 महीने का एक अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। अगर मंथली चार्ट भी देखेंगे तो ये 6th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट एक्साइड इंडस्ट्री में यहाँ पे पिछले 5-6 महीनों से देखने को मिला है। जिस तरीके से डेटा सेटअप बने हुए नियर टर्म चार्ट पे और जो डेरिवेटिव डेटा इंडिकेट कर रहे हैं हमें लगता है 285 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 263 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टाइटन का। एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक ने अपने 50-day, 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर अब वापस से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फॉलिंग चैनल का रादर ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल वापस से जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है, एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। टाइटन हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक कंटिन्यू करेगा टूवर्ड्स 3115 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा 3010 का। और तीसरा स्टॉक है भारत फोर्ज। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है और आज के सेशन में भी इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी देखें तो एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने भारत फोर्ज के हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 1010 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 958 का। ठीक है, भारत फोर्ज और टाइटन आज हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के जो टॉप गेनर्स उसमें टाइटन भी शामिल हैं, 1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन इन खूबसूरत शेयर्स के साथ साथ पालवे जी, आपकी जो शर्ट है ना आज बड़ी अच्छी लग रही है और पूरा का पूरा जो बैकड्रॉप है ना उससे मैच कर रहा है। जो कलर उसमें है गुलाबी कलर सफ़ेद कलर, उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बढ़िया शेयर और ये अच्छे मूवमेंट के साथ ये शेयर चलते हुए शेयर देना है अपने आप में, थोड़ी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। यहाँ से भी ट्रेनिंग के मौके इसमें बन रहे हैं लेकिन